मुख्यमंत्री उत्तराखंड बनने के बाद खटीमा विधायक पुष्कर धामी पहली बार उधम सिंह नगर के जनपद में पहुंचे। उधम सिंह नगर दौरे के दूसरे दिन सीएम पुष्कर धामी ने जहां सितारगंज विधानसभा पहुंचकर नगर में क्षेत्रीय विधायक सौरभ बहुगुणा के साथ नगर में रोड शो कर जनता के अभिवादन को स्वीकार किया। साथ ही सितारगंज नगर में सीएम के पहली बार पहुंचने पर जनता ने सीएम के रोड शो में पुष्प वर्षा कर उनका भव्य स्वागत किया। सितारगंज के बाद सीएम पुष्कर धामी ने धार्मिक नगरी नानकमत्ता गुरुद्वारे पहुंचकर मत्था टेका। इस अवसर पर गुरुद्वारा कमेटी नानकमत्ता ने सीएम धामी को सरोफा भेंट कर उनका अभिनंदन किया। वहीं मीडिया से रूबरू होते हुए सीएम ने कहा कि वह उधम सिंह नगर जिले में पड़े बड़े हुए हैं। सीएम बनने के बाद वह पहली बार अपने गृह जनपद पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री के स्वागत में जुट रहे युवाओं ने काफी ही भव्य स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिले भर में युवाओं व कार्यकर्ताओं का भरपूर प्यार मिल रहा है। सर सवाल आज गृह जन मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार अपने गृह जनपद कैसा महसूस कर रहे हैं कार्यकर्ताओं के बीच में? अपनी आईडी आनी चाहिए। ये मेरी कर्मभूमि है, ये मेरी कर्मभूमि है जी जी। और यहाँ के एक बच्चे से लेकर एक हमारे बुजुर्ग तक व्यक्तिगत रूप से मैं सबको जानता हूँ और सभी लोग मुझे जानते हैं। निश्चित रूप से मेरे से भी ज़्यादा मेरे क्षेत्र के लिए एक गौरव की बात है कि मेरे जैसे सामान्य परिवार में पैदा हुए एक सैनिक के पुत्र को मेरी पार्टी ने मुझे मुख्य सेवक के रूप में काम करने का अवसर प्रदान किया है। ये मेरे लिए एक चुनौती भी है और चुनौती मेरे साथ साथ मेरे क्षेत्र और मेरे इस आसपास के रहने वाले लोगों के लिए भी है, क्योंकि अब जिस प्रकार का उत्साह, जिस प्रकार का लोगों का स्नेह, उनका आशीर्वाद, प्रेम पहले तो मुझे मिलता ही था, लेकिन मुख्य सेवक के रूप में मैं कल से जिले में हूँ। इस प्रकार से उनका उत्साह देखकर, उनका प्रेम देखकर मेरे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है कि मैं उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरूं। मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा, हम गुरु दरबार में आए, हम गुरु महाराज से प्रार्थना करेंगे, वाहेगुरु हमारे ऊपर अपनी मेहर करें, अपनी कृपा करें कि हम उनकी आशाओं और अपेक्षाओं पर मैं खरा उतरूं। सर, नानकमत्ता एक धार्मिक नगरी और उसके लिहाज से यहाँ पर्यटन स्थल भी है, तो इसको लेकर नानकमत्ता साहब के बारे में मैंने अभी केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी से बात करी है। नानकमत्ता साहब हमारा हेमकुंड साहब, हमारा रीठा साहब, हमारा पूनागिरी धाम, इसके आसपास हमारा ऋषिकेश, हमारी जो धर्म नगरी है, और ऐसे बहुत सारे, चाहे वो जागेश्वर धाम हो, चाहे हमारा गंगोली हाट का हाट कालिका का स्थान हो, या मुनस्यारी, धारचूला, ओली, इन सब क्षेत्रों को हमने कहा है कि आने वाले समय में उत्तराखंड को 2027 तक विश्व प्रसिद्ध पर्यटन प्रदेश के रूप में विकसित करेंगे और उत्तराखंड का नाम हिंदुस्तान के पर्यटन के क्षेत्र में प्रमुख प्रदेशों के रूप में आगे आएगा। सर, सितारगंज में सिटकुल और सिटकुल के साथ ही फेज टू की स्थापना भी हुई है। मैं यहाँ पर जो हमारा नौकायन होना है, हमारे यहाँ पर नानकमत्ता साहब में जो बहुत सारी जो अभी यहाँ पर नई योजनाएं हमको चलानी है, हम हॉलीड्रोम से लेकर दिल्ली और देहरादून और देश के अन्य कोनों से हम इसको सीधे जोड़ने के लिए मैं यहाँ पर पूर्ण सौंदर्यीकरण करने की घोषणा करूँगा। सर, बाजपुर भूमि के बारे में कुछ कहेंगे? बाजपुर वाला भूमि, हाँ, बाजपुर वाली भूमि के बारे में हमने मुख्य सचिव को हमने उनको निर्देश दिए, जिलाधिकारी को भी निर्देश दिए हैं, जल्द से जल्द जो 20 गांवों का प्रकरण आया है उस पर जो है वो कार्रवाई कर उसका निस्तारण बहुत जल्दी करेंगे। सर, एक नए आप संधू को लाया है, सुखजी हमारे नए चीफ सेक्रेटरी हैं, आपने देखा होगा उन्होंने एनएचएआई में बहुत काम किया है, इसलिए हम लोग उनको विशेष नियुक्ति पर यहाँ पर लेकर आए हैं, वो सारे कामों को करेंगे। और यहाँ के किसानों से पहले यहाँ के डीएम भी रहे हैं, उनकी बहुत सारी जमीन खाली है, उसके बारे में भी बात करेंगे। हम लाना चाहते हैं।